हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम रीड करेंगे हिस्ट्री के हमारे सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पेज नंबर 44 to 46। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, और दूसरा जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका वर्ल्ड पर क्या इफ़ेक्ट रहा, ये पढ़ेंगे। दो ही टॉपिक हैं इनके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब देखिए, यहाँ पर ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, वर्ल्ड के उन फेमस पर्सनैलिटीज़ में इनका नाम आता है कि जिन्होंने दुनिया को एक नई विचारधारा दी, जो दुनिया के अंदर जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे आप हिटलर के बारे में जानते हैं, उसी तरह से स्टालिन थे। और ये किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, और इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी डेथ हुई थी तो इनकी जो पर्सनल कलेक्शन थी, यानी कि जो इनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी, वहाँ से 10,000 बुक्स मिली थी जिनको ये पढ़ चुके थे। और उन बुक्स में मोस्टली बायोग्राफीज़ थी, यानी कि जो वर्ल्ड के फेमस पर्सनैलिटीज़ हुए, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुए, उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने पढ़ा, उनके विचारों के बारे में उन्होंने पढ़ा स्टालिन। इसके बारे में मैं फिर कभी आपको डिटेल से बताऊंगा, अभी फ़िलहाल हम चैप्टर की तरफ अपना फेस करते हैं। चलिए द पीरियड। हाँ, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ इनके बारे में, स्टालिन के बारे में। स्टालिन रशिया के अंदर लीडर बनते हैं लेनिन के बाद। तो बोल्शेविक पार्टी वहाँ पर होती है, लेनिन उनकी लीडरशिप करते हैं। तो लेनिन के बाद, जैसे ही लेनिन की डेथ होती है या वो हट जाते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर स्टालिन जो है वो लीडरशिप करते हैं बोल्शेविक पार्टी की। तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे और उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ अप्लाई की थी रशिया के अंदर, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि रशिया की जो प्लान्ड इकोनॉमी थी, यानी कि जो वहाँ पर प्लानिंग की जा रही थी कि इकोनॉमी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकता है रशिया, तो वो जुड़ा हुआ है किससे? डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मतलब कि पहले क्या था कि जो पीजेंट्स थे उनको कहा गया कि आपकी लैंड है, आप खुद एग्रीकल्चर करो वहाँ पर, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन के बाद ये हुआ था, तो पीजेंट्स के पास अपनी जो जिसके ऊपर जो जिस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर पाया, यानी कि जिस लैंड पर जो कब्ज़ा कर पाया, वो लैंड उसके पास हो गई। यानी कि उनके पास छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड थी। तो उसके बाद में क्या किया था स्टालिन ने, कहा कि ये छोटे छोटे जो फार्म्स बनाए हैं जो पीजेंट्स ने, तो इनसे प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, इनसे हमें ग्रेन्स नहीं मिल पा रहा है, और इन छोटे छोटे फार्म्स में हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इन सब को कलेक्ट कर दिया जाए, यानी कि छोटे छोटे फार्म्स को कलेक्ट करके और उनके ऊपर गवर्नमेंट अपना कोई ऑफिशियल या अपना कोई लीडर वहाँ पर उसको रखे। तो ये थी कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बाय 1927-1928 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। तो ग्रेन सप्लाईज़ की प्रॉब्लम हो गई थी 1927 और 1928 में। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। और गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया प्राइस कि किस प्राइस पर जो है फार्मर जो है वो अपना ग्रेन सोल्ड कर सकता है, बेच सकता था। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। और अब यहाँ पर देखिए, जो पीजेंट्स हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जो गवर्नमेंट ने जो फिक्स किए हैं प्राइस, हम उनके ऊपर अपना अनाज नहीं बेचेंगे। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस्ड फर्म एमरजेंसी मेजर्स। उसने बहुत ही कड़े कदम उठाए स्टालिन ने, जिसने बोल्शेविक पार्टी की लीडरशिप की थी लेनिन की डेथ के बाद। ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। अब उसका विश्वास ये था कि जो रिच पीजेंट्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं व्यापारी, वो क्या करते हैं, वो ग्रामीण एरिया में स्टॉक कर लेते हैं ग्रेन्स का, किस उम्मीद में कि बाद में जो प्राइस हाई होंगे तब हम इनको बेच देंगे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड।
स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन एक तरह से होता है किसी तरह की सट्टेबाजी करना, या जैसे ये लोग कर रहे थे कि उन्होंने स्टॉक कर लिया अपना, पता तो नहीं था फ्यूचर का भी रेट बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो इस चीज़ को उन्होंने बंद कर दिया कि जो स्टॉक कर रहे हैं उन सबको बंद किया जाए, एंड सप्लाई इज़ कन्फिस्केटेड, और सप्लाई जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। उसके बाद इन 1928 पार्टी मेंबर्स टॉर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज सुपरवाइजिंग एंड फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स। अब देखिए 28 में क्या होता है कि पार्टी मेंबर क्या करते हैं, वो यात्रा करते हैं, दौरा करते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर ग्रेन प्रोड्यूस होता है उस एरिया में जाते हैं, सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन करते हैं, और एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स। कुलक्स वो थे जो रिच पीजेंट्स थे, उनको कुलक्स कहा जाता था, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। एज शॉर्टेज कंटिन्यूज द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स, और जैसे ही शॉर्टेज बढ़ी तो एक डिसीजन लिया गया कि फार्म्स को कलेक्ट कर दिया जाए, इनको एक सभी को मिला दिया जाए। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेजेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, और यह तर्क दिया गया इसके पीछे, इसके पीछे ये आर्ग्यूमेंट्स हुई कि जो ग्रेन की शॉर्टेज हो रही है वो सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनके पास जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो फार्म हैं वो इसीलिए हो रही है, जब तक इन फार्म्स को इकट्ठा नहीं किया जाएगा तब तक प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स, दी स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड, अभी मॉडर्नाइज्ड नहीं हो सकते थे, छोटे छोटे फार्म्स थे, टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन दम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड इस्टेब्लिश्ड स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स। और इस तरह से गवर्नमेंट ने यह सोचा कि मॉडर्न फार्म्स अगर डेवलप करने हैं, इंडस्ट्री के साथ साथ हमें चलना है अलॉन्ग इंडस्ट्री लाइन्स विद मशीनरी, तो फिर क्या करना होगा, कुलक्स को एलिमिनेट करना होगा, ख़त्म करना होगा, जो ये पीजेंट्स हैं छोटे छोटे जो अपनी ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनके पास छोटे छोटे फार्म्स हैं, स्मॉल लैंड्स हैं, और इनसे लेकर एक स्टेट कंट्रोल जो है लार्ज फार्म्स बना दिया जाए और स्टेट उसको कंट्रोल करे, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे उस लैंड के ऊपर, उस फार्म के ऊपर। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, तो किस किस ने इसका अनुसरण किया था, इस कौन कौन इसके पीछे चला। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स कॉलखोज, अब पार्टी ने क्या किया, सभी पीजेंट्स को फोर्स किया कि वो कलेक्टिव फार्म्स में कल्टीवेट करे, वहाँ से ग्रेन प्रोड्यूस करे। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, अब जो ज़्यादातर जो लैंड है और जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए गए, कलेक्टिव फार्म्स को। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, अब जो पीजेंट्स हैं वो लैंड पर काम करते थे और जो कोलखोज कौन से, जो कलेक्टिव फार्म्स थे, यानी कि उनके ऊपर जो कंट्रोल किया गया था, उसके ऊपर जो बैठे थे कलेक्टिव फार्म्स के ऊपर जो उसके सुपरविजन के लिए, वो प्रॉफिट शेयर कर लेते थे आपस में। एनरेज्ड पीजेंट्स रेजिस्टेड द अथॉरिटीज़ एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक, और गुस्से में भरे हुए जो पीजेंट्स थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और उनके लाइव स्टॉक्स जो उनके पास पशु थे या जो भी था उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाई 1/3, देखिए यहाँ पर 1/3 जो है वो रह गए थे 1929 और 1931 के बीच में। दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरली पनिश्ड, अब जिसने भी इस चीज़ का विरोध किया कलेक्टिवाइजेशन का, यानी कि जो लार्ज फार्म्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी गई। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एग्जाइल्ड, किसी को फोर्सफुली निकाल दिया गया और किसी को मजबूर कर दिया गया कि वो देश छोड़ दे उस टाइम के लिए। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. अब किसानों ने ये कहा कि जो विरोध कर रहे थे collectivization का, उन्होंने कहा कि हम रिच पर्सन नहीं हैं, रिच पीपल नहीं हैं, पर हम सोशलिज्म के भी अगेंस्ट नहीं थे, वे सोशलिज्म के भी अगेंस्ट नहीं थे, उनका ये कहना था। They merely did not want to work in a collective farms for a variety of reasons. लेकिन वो collective farms में काम नहीं करना चाहते थे काफ़ी सारे reasons की वजह से। Stalin's government allowed some independent cultivation. Stalin की government ने कुछ independent cultivation के लिए permission दे दी, but treated such cultivators
अनसिम्पैथेटिकली, लेकिन उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी जाती थी। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। अब कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी प्रोडक्शन जो है वो हो बहुत तेज़ी से इमीडिएटली इंक्रीज नहीं हुआ। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930-33 लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डेवेस्टेटिंग फेमाइंस इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन और 4 मिलियन डाइट। और जो बैड हार्वेस्ट 1930 से लेकर 1933 तक एक बहुत बड़ा अकाल जो वहाँ पर सोवियत हिस्ट्री में आया था, जब 40 लोग वहाँ पर मारे गए थे। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज्ड द कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी एंड द कंसिक्वेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। और बहुत सारे लोगों ने इसी जो क्रिटिसाइज किया कि ये जो कलेक्टिवाइजेशन का सिस्टम है और जो ये सब कुछ चल रहा है। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर चार्ज्ड दीज क्रिटिक्स विद कंसपिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अब स्टालिन और जो उसके साथ वाले थे, जो उससे सिंपैथी रखते थे किसी भी तरह से, उन्होंने सोचा कि जो हमारी आलोचना कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं, वो सोशलिज्म के अगेंस्ट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं सोशलिज्म के अगेंस्ट। Accusations were made throughout the country. और जो दोषी था, जो ऐसा कर रहे थे, उनको देश से बाहर निकाल दिया गया, पूरे देश से। पूरे देश से उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया कि कहाँ कहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हमारा हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी भी तरीके से। By 1939, over 2 million were in prisoners or labor camps. 20 लाख लोग जो हैं वो या तो जेलों में थे या फिर लेबर कैंप्स में थे। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम। और बहुत सारे लोग जो हैं वो निर्दोष थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था। बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस अंडर टॉर्चर। और बहुत सारे लोगों से टॉर्चर करके उनसे ये कन्फेशन करवा लिया गया कि उन्होंने कुछ गलत किया है। एंड वर एग्जीक्यूटेड, और उन्हें मार दिया गया। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। और उनमें कुछ लोग ऐसे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे जिन्हें बहुत बुरी पनिशमेंट दी गई थी। अब आता है हमारा रेवोल्यूशन, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट फुली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक्स टुक पावर एंड कैप्ट इट। और सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप के अंदर उस टाइम में जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी और बोल्शेविक्स ने सत्ता हथिया ली थी किसी भी तरीके से, तो बहुत सारे जो पार्टीज़ थी उनमें से ये ज़रूरी नहीं था कि सभी उनके साथ थी जो बोल्शेविक की फेवर कर रही थी या उनको कह रही थी कि वो सही है। कुछ ऐसी भी पार्टीज़ थी जो कह रही थी कि भी बोल्शेविक्स जो है उसकी पॉलिसी सही नहीं है। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी जो है पूरी दुनिया के लिए ये एक इमेजिनेशन बन गया था, एक जो है इंस्पिरेशन लोगों के अंदर एक पैदा हो गई थी। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। अब बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने कॉलोनियल पीपल से कहा कि उनके एक्सपेरिमेंट को आप फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920। अब एक ग्रुप बनाया गया था 1920 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट, एंड बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न। कमिंटर्न था एक इंटरनेशनल यूनियन थी ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज की। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। और बहुत सारे लोगों ने वहाँ की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी USSR की वर्कर्स की, वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन ली, उनको एजुकेशन दी गई। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, द USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रक्चर। और इस तरह से USSR ने एक सोशलिज्म को नया ग्लोबल फेस दिया, पूरी दुनिया को एक नया चेहरा दिया सोशलिज्म को। येट बाय द 1950s इट वॉज acknowledged विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द USSR वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। 1950s तक आते आते लोगों को ये महसूस हो गया कि जो USSR है, उसकी जो गवर्नमेंट है, उसके जो आइडियल्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो उसकी पॉलिसीज हैं, वो रशियन रेवोल्यूशन के साथ मैच नहीं करती है। यानी कि जिसके ऊपर रशियन रेवोल्यूशन बेस्ड थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकोगनाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। और वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट भी यह रिकोगनाइज कर चुकी थी कि सोवियत यूनियन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, एक बैकवर्ड कंट्री, एक पिछड़ा हुआ देश जो है वो एक ग्रेट पावर बन गया था। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड, और जो इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर जो वो डेवलप हो गई थी और जो गरीब लोग हैं उनको भोजन मिल रहा था। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जो बेसिक एसेंशियल फ्रीडम्स थी जो उनके लोगों को नहीं थी वहाँ पर, और काफ़ी सारी रिप्रेसिव पॉलिसीज से उन्होंने अपने प्लान को लागू किया था डेवलपमेंट के लिए। By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. अब international level पर जो international reputation थी 20th century तक आते आते USSR की, वो socialist country की जो एक reputation थी, USSR जाना जाता था कि एक socialist country है, अब उसकी reputation down हो गई थी। But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. लेकिन जो हर एक देश के अंदर जो सोशलिज्म का जो आइडिया है, सोशलिज्म की जो विचारधारा है, उसको दोबारा से सोचा गया, दोबारा से उसके ऊपर विचार किया गया अलग अलग तरीक़ों से। तो ये थी आपकी रशियन रेवोल्यूशन और वर्ल्ड के ऊपर उसके इफ़ेक्ट क्या रहे, और लास्ट में रशिया के साथ क्या होता है कि उसकी इमेज जो है वो कैसी रह जाती है 20th सेंचुरी तक आते आते। तो इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ आपसे, और वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है।